बहस लंबी चढ़ जाएगी और बात का बतंगड़ बन जाएगा। बस इतना ही कहना है कि देश के जो नागरिक यह मानते हैं कि अगली सदी हिंदुस्तान की होगी, वे इस कहानी पर नज़र जरूर दौड़ाएं। कहानी बार बार यही प्रश्न पूछती है कि क्या इस युग में भी एक परिवार को जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने देना चाहिए, जहां ना कोई बस्ती हो और ना ही कोई पड़ोसी। इसे क्या कहा जाए? जिंदगी जब टुकड़ों में बंटी हो तो समाज का क्या फर्ज बनता है? आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाप, दादा और अब मैं, एक सदी गुजर गई साहब इसी काम में। बस 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए, इससे अधिक मिलता ही क्या है। आप जब भी नौराधार के बाजार से गुजरेंगे, शहर के एक कोने पर आपको भारत भूषण जरूर मिलेंगे। फटी तिरपाल के नीचे सिर छुपाए भारत भूषण को हमेशा ग्राहक का इंतजार रहता है। ना जाने कब कोई आए और वह जूता पॉलिश कर परिवार के लिए शाम की रोटी का प्रबंध कर दे। अपने पेशे से कभी परेशान ना होने वाले भारत भूषण किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हालांकि मौजी के पेशे से जुड़े व्यक्ति को दुनिया किस नज़र से देखती है, यह किसी से छिपा नहीं है। और मदद के नाम पर समाज के उन ठेकेदारों की नज़रें टेढ़ी हो जाती हैं जो इंसानियत का ढिंढोरा पीटते कभी थकते नहीं। बहरहाल दुनिया के उतार चढ़ाव से बेपरवाह भारत भूषण पूरी लगन के साथ बच्चों की परवरिश में जुटे हैं। 2 बच्चों के पिता इस कारीगर को चिंता सताती है कि बच्चों की पढ़ाई जारी रख पाएंगे या नहीं। शहर गांव से अलग जंगल में बनी झोंपड़ी में रहता यह परिवार इस कच्चे घर को टूटे फूटे तिरपाल से इसने ढांप रखा है ताकि कुदरत के कहर से बचा जा सके। मैं काफ़ी साल से ये काम करता हूँ, मेरे दादाजी पिताजी सब करते थे, मैं भी करता हूँ अभी से काम। और ये मुझे इन्होंने दिया हुआ बाजार ने वालों ने, भाई इसमें तो कोई किराया नहीं, मेरे पास कुछ नहीं लेते मेरे से। और मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं उनकी पालन पोषण इसी से करता हूँ और इसी से ही मेरा गुजारा चलता है। जो कुछ बनता है सुबह शाम का, बस उसको उसी से गुजारा इसी से ही करता हूँ। ये मेरा पेशा है, मैं इसी से ही अपना रोजी रोटी कमाता हूँ मैं अपने पेट के। इससे पहले अपने पिताजी करते थे आपके? मेरे पिताजी करते थे, फिर दादाजी करते थे और उसके अब आप करते हैं? मैं करता हूँ। कोई सरकारी योजना मिली हो आज? सरकार ना कोई नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। मकान पूरा नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं। मकान अपना तो सरकार की ओर से नहीं मिला हुआ। अब कब तक करते रहेंगे आप? करता रहूंगा ही, जब तक चलेगा चलता रहूंगा। क्या है काम करना क्या? काम ठीक चल रहा है आपका? ठीक ही है, बस ऐसी है, जो भी कुछ है चल रहा, बस ठीक ही है। भारत भूषण जैसे लोग हमारे समाज का अटूट अंग हैं। ऐसे लोगों के सिर पर दया नहीं सशक्तिकरण का हाथ रखने की जरूरत है, ताकि किसी की जिंदगी यूं टुकड़ों में ना बंटे। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।